हाय, अब हम डिस्कस करें लेटेस्ट से बुक का 12th चैप्टर द सी प्री प्रोसेसर के एक्सरसाइज का क्वेश्चन सी डॉट ए एंड बी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो के साथ में नोटिफिकेशन आ जाए कि कुछ नया आया है और आप किसी चीज से पीछे ना रहें। ओके, तो हमारा क्वेश्चन है अटेम्प्ट द फॉलोइंग। इफ ए मैक्रो इज नॉट गेटिंग एक्सपेंडेड एज पर योर एक्सपेक्टेशन, हाउ विल यू फाइंड आउट How is it being expanded by the preprocessor? अगर आपने कोई मैक्रो डिफाइन करा है और आपने जब मैक्रो का एक्सपेंशन जब कंपाइलर करता है या प्रीप्रोसेसर करता है तो अगर आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आया है तो उसका आप कैसे चेक करेंगे? तो उसको चेक करने का सिंपल सा प्रोसेस तो ये है कि आप जब भी मैक्रो लिख रहे हैं तो उसको हर कॉल के बाद में प्रिंट अप स्टेटमेंट लगाएं और आपको जो एक्सपेक्टेटेड था वो अगर नहीं आ रहा तो आपको उसको चेक करेंगे कहाँ पे क्या गलती रह गई है। दूसरा, हर कंपाइलर के ऊपर सीकार कंपाइलर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो भी इंटरमीडिएट फाइल जनरेट होती है डॉट आई एक्सटेंशन के साथ में उसको चेक करने का हर कंपाइलर का अपना अपना तरीका होता है। जैसे टर्बो सी के अंदर हाइपन ई के साथ में अगर डॉस सेल के अंदर हम कमांड पास करते हैं तो वो आपको उसका डॉट आई एक्सटेंशन की जो फाइल है उसका मैक्रो का एक्सपेंशन जो है वो आपके कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर लोड करता है, तो उसको उस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। अब सेकेंड है, राइट डाउन मैक्रो डेफिनेशंस ऑफ द फॉलोइंग। आपको मैक्रो की डेफिनेशन निकालनी है टू टेस्ट वेदर ए कैरेक्टर इज स्मॉल कैस और लेटर। हमें इनपुट लेना है कीबोर्ड के थ्रू और आइडेंटिफाई करना है कि ये लोअर केस है या अपर केस है और यह अल्फाबेट है या नहीं है। और फोर्थ है हमारे पास में कि दो नंबर की एंट्री करेंगे तो उस नंबर के थ्रू हमें आइडेंटिफाई करना है कि उनमें से बड़ा नंबर कौन सा है। तो जल्दी हम प्रोग्राम के अंदर चलते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h। यहाँ पे जो हैश लिखा हुआ है वो डिनोट करता है किस चीज को, प्री प्रोसेसर को, और इंक्लूड डिनोट करता है फाइल इंक्लूजन टाइप को ch112c_12ab.c। ठीक है, अब हमें डिफाइन करना है मैक्रो। मैक्रो डिफाइन करने के लिए सबसे पहले तो लिखेंगे हैश जो कि डिनोट करता है प्री प्रोसेसर को। मैक्रो डिफाइन करना तो उसके लिए क्या लिखते हैं हम, डिफाइन। डिफाइन कर दिया, उसका पहला मैक्रो हमें डिफाइन करना है कि लोअर केस है या अपर केस है, उसको चेक करना है। तो लोअर केस के लिए हमने लिख दिया लोअर। जो कैरेक्टर आएगा, मान लीजिए एक्स कैरेक्टर आ रहा है हमारे पास में, तो लोअर केस को चेक करने के लिए क्या होगा, जो भी हमारे पास में कैरेक्टर आ रहा है अगर इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल लेटर की जो ASCII वैल्यू उसके साथ में कंपेरिजन होगा उससे चेक करेगा। अगर ए से तो बड़ा है या जो एक्स आएगा वो इज लेस देन इक्वल टू है किससे, जेड से। जेड से अगर छोटा है तो ये स्मॉल लेटर के अंदर आ जाएगा क्योंकि ASCII कीवर्ड बिल्कुल हमारा सीक्वेंस में चलता है ए से जेड के अंदर। तो ए का जो सिक्वेंस आएगा, ए का जो भी ASCII कोड आता है जैसे 97 आता है तो उस 97 से लेकर के उसके अंदर 26 को ऐड कर देंगे तो उतना हमारा स्मॉल लेटर का पूरे ASCII की सीरीज चलती रहती है। और जो भी अब जब भी हम रिलेशनल ऑपरेटर का अप्लाई करते हैं कैरेक्टर के ऊपर तो कैरेक्टर का ASCII कोड उसके साथ में कंपेरिजन करता है कि कैरेक्टर हमेशा इंटीजर वैल्यू के अंदर कन्वर्ट होने के बाद उसके ऊपर कैलकुलेशंस होती है। दूसरा आ गया हमारे पास में हैश डिफाइन अपर। इसके अंदर भी क्या जाएगा, एक्स, या आ गया हमारे पास में एक्स अगर इज ग्रेटर देन इक्वल टू है कैपिटल ए से एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू है कैपिटल जेड से, तो ये हो जाएगा अपर केस लेटर। अब अगर ये चेक करना है कि कोई जो हमने कीबोर्ड के थ्रू एंट्री करी है वो लेटर भी है या नहीं है, मतलब अल्फाबेट है या नहीं है, तो क्या चेक करेंगे, अगर वो लोअर केस है या अपर केस है, दोनों में से कुछ भी होगा तो वो अल्फाबेट होगा अदरवाइज वो कुछ और ही कीवर्ड होगा। तो हमें ये चेक करना है कि अल्फाबेट है कि नहीं है, हैश डिफाइन इज अल्फा, इनके आगे भी लगा देते हैं ताकि नोमेनक्लेचर सेम हो जाएगा ताकि समझने में आसान होता है। इज, इसका मतलब बीच में लगा दिया हमने कि ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब यहाँ पे हमने कुछ टाइप करा होगा एक्स, तो अब उसको क्या चेक करना है कि जो भी हमने इनपुट में लिया है अगर वो अल्फा लोअर केस है या अपर केस है, तो अब हम क्या करेंगे मैक्रो के अंदर मैक्रो की कैलकुलेशन करेंगे। कैसे, ये चेक करेंगे पहले इज लोअर है क्या,
या एक्स, या तो लोअर होगा या अपर केस होगा, इज अंडरस्कोर अपर, लोअर या अपर में से कुछ भी है तो मतलब कि वो हमारा अल्फाबेट है, अदरवाइज अल्फाबेट नहीं है। अब हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन क्या था, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या करना था कि हमको ये चेक करना है कि हमारे पास दो नंबर दिए गए हैं, उन दोनों नंबर्स में से हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो हमें चेक करना है ग्रेटर, नंबर आ गए दो ए एंड बी। तो इसके लिए हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि टर्नरी ऑपरेटर होता है, हम इसको इफ एल्स के थ्रू भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इफ एल्स के जगह पे हम यूज कर लेंगे क्या टर्नरी ऑपरेटर, जो हमारे पास सिंगल स्टेटमेंट के अंदर ही काम हो जाएगा। कैसे होता है टर्नरी ऑपरेटर, यदि इफ ए इज ग्रेटर देन बी तो रिटर्न कर देना ए, अदरवाइज कर देना बी। ये हमारे पास ग्रेटर नंबर फाइंड हो गया बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब हमने जो करा है उसको चेक कर लेते हैं, वॉइड मैन TLRSCR for clearing the screen, GETCH for holding the screen output। हम इनपुट के अंदर लेंगे कोई भी कीवर्ड, तो कैरेक्टर ले लिया हमने C, इनपुट इंटीजर ले लिया A एंड B, इनका इनपुट ले लेते हम, printf lesson enter any character, कैरेक्टर की एंट्री कोई भी करेंगे यहाँ पे, उसको स्कैनर के अंदर हमने होल्ड करवा लिया, स्कैन करवा लिया है। जैसे करेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट सी है और यहाँ पर आ गया एम परसेंट सी। इसके बाद में हमें करना है कि दो नंबर्स की एंट्री लेनी है, तो प्रिंट एफ लेस एन एंटर वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू क्या आएगी, स्कैनर परसेंट डी फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर के लिए, यहाँ पर आ गया ए, ए किस हिसाब में आएगा एम परसेंट ए के साथ में। सेकंड में क्या चला गया, प्रिंट एफ लेस एन एंटर वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू, बी की वैल्यू क्या होगी, स्कैन एफ क्या आएगा परसेंट डी, यहां चला गया एम परसेंट बी। हमने नंबर की एंट्री करवा ली और कैरेक्टर की भी एंट्री करवा ली। अब इसके बाद हम चेक कर लेते हैं हमारे प्रोग्राम के ऊपर कि जो हमने एंट्री करवाई है वो सही है या नहीं है, तो वो तो रन करा लेते हैं। एक एरर आ गया हमारे पर, अननोन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के अंदर कुछ गड़बड़ है, डी ई एफ आई एन ई होना चाहिए था, डिफाइन हो गया, कंट्रोल एफ नाइन। सबसे पहले कैरेक्टर मांग रहा है ए, वैल्यू मांग ली ए की वैल्यू वन और ये वैल्यू वाली फाइव, बिल्कुल ठीक है, हमने इसके अंदर कुछ भी नहीं करा है। अब हम चेक कर लेते हैं कि अल्फाबेट है कि नहीं है, कैरेक्टर है कि नहीं है। प्रिंट एफ कैसे पता लगेगा, स्लैश एन, सबसे पहले अगर वो अल्फाबेट है कि नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, इफ कैसे इज लोअर, क्या पास कर दिया हमने सी, अगर लोअर केस है तो क्या करेगा, लोअर केस ये डिफाइन कर देगा, अगर अपर केस है तो क्या बोलेगा, इज अपर, पैरामीटर क्या पास करा हमने सी, तो प्रिंट एफ में क्या दे देगा, प्रिंट एफ लेस एन अपर केस। अभी लेटर है या नहीं है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें क्या यूज करा था हमने, इज अल्फा, ये क्या चला गया हमारे पास में सी, ये हो गया प्रिंट एफ स्लैश एन अल्फाबेट, ठीक है। अभी तक इसको रन करा के चेक कर लेते हैं, ये कीबोर्ड के अंदर हमने एंट्री करी, मान लीजिए कि स्मॉल जी करा है तो आउटपुट में हमें क्या देगा क्या नहीं देगा वो चेक करेंगे, लोअर केस है और अल्फाबेट है, तो मतलब लोअर केस अपर केस ये वाला सारा का सारा प्रॉपर काम कर रहा है। अब हमें ए और बी में से जो भी कैपिटल मतलब ग्रेटर नंबर है वो हमें आउटपुट में लेना, तो क्या करेंगे, प्रिंट एफ स्लैश एन ग्रेटर नंबर इक्वल टू कितना आएगा परसेंट डी, और आउटपुट में क्या आएगा यहाँ पे ग्रेटर, ग्रेटर के अंदर क्या आ गया
ए एंड बी, ये चला गया कंट्रोल एफ में। कैरेक्टर मैंने डाल दिया, मान लीजिए जे है, वैल्यू डाल दी मैंने 5 और ये डाल दिया मैंने 9, तो कैरेक्टर वैल्यू कितनी आ रही है 9। अब देखिए प्रोसेस किस तरीके से हुआ है, ये आ गया हमारा प्री प्रोसेसर, ये मैक्रोज आ गए, ये मैक्रो पूरा का पूरा डेफिनेशन होती है, ये होता है मैक्रो का टेम्पलेट और ये हो गया मैक्रो का एक्सपेंशन। तो जहां पर भी इसके मैक्रो टेम्पलेट का जैसा कोई भी कोड मिलेगा तो प्री प्रोसेसर उसको रिप्लेस कर देगा मैक्रो के एक्सपेंशन के साथ में। अब हमने यहाँ पे इज अल्फा के अंदर जब टर्न ये वाले यूज करिए इफ एल्स की कंडीशन, तो इसका आउटपुट तो कितना आ गया, ट्रू या फॉल्स आएगा, ट्रू फॉल्स आएगा, तो इसलिए हमने इफ एल्स के अंदर सीधा सीधा इसको पास कर दिया, इसका आउटपुट अगर रिजल्ट आएगा या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे कोई भी कंडीशन की सिचुएशन जनरेट नहीं करी। क्यों नहीं करी है, क्योंकि जैसे इज लोअर सी मिलेगा तो क्या करेगा, इज लोअर सी के अंदर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो क्या कर देगा, सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड ये वाली जो लॉजिकल ऑपरेटर है या लॉजिकल लाइन है इसको वहां पे रिप्लेस कर देगा, तो हमारा पूरा कंडीशनल स्टेटमेंट बन जाता है। लेकिन ग्रेटर वाले के अंदर क्या करा है कि हमने चेक करा कि अगर ए बी से बड़ा है तो ए रिटर्न कर दो अदरवाइज बी रिटर्न कर दो, ये हमारे पास ट्रू फॉल्स रिटर्न नहीं करता, ये कोई जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को रिटर्न करेगा, इसलिए हमने यहाँ पे वैल्यू का फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया और यहाँ पे इफ एल्स की जगह पे सीधा का सीधा हमने मैक्रोस को यूज करा है। तो हमने क्या करा इस वाले प्रोग्राम के अंदर, एक मैक्रो को डिफाइन करा है विद आर्ग्यूमेंट और एक मैक्रो विद आर्ग्यूमेंट के अंदर मैक्रो विद आर्ग्यूमेंट को यूज करा है कि एक मैक्रो के अंदर दूसरे मैक्रो को किस तरीके से यूज करते हैं। ओके, तो हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।